मुरादाबाद, यूं तो सभी जानते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जिसे दुनिया जानती है, लेकिन यूपी में ही इसके अलावा भी एक मिनी ताजमहल है जो हूबहू आगरा के ताजमहल की तरह नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस आलिशान ताज को घर की छत पर बनाया गया है। बता दें कि कुंदरकी में बना ये मिनी ताजमहल ग्राम रूपपुर निवासी छिद्दा खरसाली ने अपनी बेगम को तोहफे में दिया था। हालांकि अब छिद्दा खरसाली की भी मृत्यु हो चुकी है, हालांकि अब ये मिनी ताजमहल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। ताजमहल को दुनिया भर में मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इसी से प्रभावित होकर रूपपुर निवासी छिद्दा खरसाली ने अपने मकान की छत पर अपनी बेगम की मोहब्बत की यादों को ताज़ा रखने के लिए ताजमहल का मॉडल बना दिया, जिसके बाद इस ताज की भी शोहरत फैलने लगी। बता दें कि इस नायाब ताजमहल की शोहरत को सुन ताजमहल संरक्षण विभाग के अधिकारी भी यहां दौरा करने आ चुके हैं। यहां रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि छिद्दा खरसाली ने इसका निर्माण सन 1965 में किया था। इतना ही नहीं, अब इस महल की वजह से ही ब्लॉक कार्यालय के निकट ताजमहल के नाम से एक मोहल्ला भी जाना जाने लगा है। इसकी खासियत और शोहरत के चलते अब यहाँ वाहनों का स्टॉपेज भी बना दिया गया है। साथ ही बस स्टैंड पर भी रिक्शा वाले ताजमहल ताजमहल की आवाज लगाते नजर आते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि धन्य हैं छिद्दा खरसाली जो मकान पर ताज बनाकर अपनी मोहब्बत को आबाद कर गए, कुंदरकी का नाम रोशन कर गए। अब स्थिति यह बन चुकी है कि आते जाते यात्री अपने वाहन रोककर इस ताजमहल को देखते हैं। मेरे दादा मरहूम छिद्दा खरसाली जी ने 1965 में बनवाया था। इस ताजमहल को बनवाने में उनकी मंशा ये थी कि वो हमारी दादी से मोहब्बत करते थे, इसी के साथ साथ वो ये चाहते थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो हिस्ट्री में मेंशन हो, लोग उनको जाने के बाद भी याद करें। इसी सोच के साथ उन्होंने ताजमहल को बनवाने का सोचा और ताजमहल को अल्हम्दुलिल्लाह बनवाया। दूर दराज से इसको लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि कुंदरकी में एक मोहल्ला ताजमहल के नाम से आबाद हो चुका है। जो यहाँ पर रोड जा रहा है नेशनल हाईवे हमारा चंदोसी वाला, यहाँ पर जो भी वाहन गुजरते हैं या जो भी लोग आते हैं दूर दराज से, पर्पस ये है कहने का कि ताजमहल इतना फेमस हो चुका है कि लोग चाहत रखते हैं कि हम भी देखें कि कुंदरकी का ताजमहल कैसा है। आखिर हमने सुना था कि कुंदरकी में भी एक ताजमहल है, मुरादाबाद ज़िले की किसी जगह पर एक ताजमहल है। इसी चाहत को पूरा करने के लिए कभी उनका आना होता है या कहीं दूर अगर यहाँ से इस इलाके से दूर भी आना होता है तो ताजमहल की चाहत उन्हें कुंदरकी तक खींच लाती है और वो अपने इस एक ख्वाब को पूरा करते हैं, ताजमहल को देखने का जो वो चाहत है उसे वो पूरा करते हैं। जो यहाँ पर बसेस गुजरती हैं तो वहाँ पर हेल्पर कहते हैं ताजमहल आ गया, किसको उतरना है। ताजमहल इतना फेमस है कि अगर किसी को कुछ अगर आना हो जाना हो, मतलब एक इतना फेमस प्लेस बन गया है कि यहाँ पर ही लोग जो है आकर मुलाकात भी करते हैं हमसे कि बताइए इसके बारे में। तो कहने का पर्पस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताजमहल बहुत फेमस हुआ है। दादाजी की जो उनकी ख्वाहिश थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है और दादाजी ने ये जो काम किया है बड़ा प्राउड फील होता है जब लोग इसे दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। या हम आपके चैनल के माध्यम से तो मैं कहना चाहता हूँ क्या अगर किसी की चाहत है भी तो उनके हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, वो आएँ हमसे ताजमहल के बारे में तफसील से जानकारी लें। क्या बाहर के लोग भी ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हो, किस तरीके का महसूस करते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि अगर कोई आ रहा है तो हमारा मेहमान है, हम बड़े उसका खैर मकदम करते हैं। और काफ़ी दूर दराज से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बहुत बहुत दूर से, जहाँ जिसे भी पता है कि एक ताजमहल है कुंदरकी में है, उनका अगर वो किस काम का पर्पस हो या किसी ट्रिप पर आए हुए हों तो वो कुंदरकी जरूर घूमे जाते हैं। कौन सी सन की बात है ये? 1965 की बात। तो इसमें लगभग किस तरीके की चर्चाएं शहर के अंदर रहती हैं? कुंदरकी के जो आवाम है, सारी ही आवाम बहुत प्राउड फील करती है कि कुंदरकी में भी ताजमहल है। हमारे यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं तो ताजमहल की चर्चा वहाँ तक है, उन्हें प्राउड फील होता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आवाम है सभी का ताजमहल है। जब यहाँ पर हमारे सारे लोगों का बड़ा अच्छा मिलना जुलना रहता है तो बड़ा प्राउड फील होता है क्या फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे कुंदरकी की ताजमहल की चर्चा है। मुमताज़, शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था, क्या इसको कुछ नाम दिया गया है? जी, दादी की याद में ताजमहल बना है, लेकिन इसी के साथ साथ दादाजी की मंशा ये थी कि कुछ ऐसे भी कह जाए जो हिस्ट्री में मेंशन हो और लोग उनके जाने के भी याद के बाद भी उन्हें याद करें। ताजमहल तो मोहब्बत की निशानी तो है ही साहब।
इसमें प्रशासन की तरफ से कोई अटकलें आई थी? नहीं 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 कोई अटकल। अच्छा, इसमें कोई जीके के नाम है जनरल नॉलेज में भी इसका कुछ जिक्र है? जी जी, केबीसी में सदियों के महानायक अमिताभ बच्चन जी में सवाल पूछा गया था क्या दूसरा ताजमहल कहाँ है, तो मुरादाबाद जिले का करके उसमें ऑप्शन जो आते हैं चार उसमें था, तो जिस भाई बंधु से वो सवाल पूछा गया था उन्होंने करेक्ट आंसर बताया था, मुराद जिले में है ताजमहल। तो उसको देखते हुए आज आपको गर्व महसूस होता है? बहुत प्राउड फील होता है, दादाजी ने ये काम किया है, बहुत प्राउड।